तो यहाँ पे दोस्तों हम ट्रेड लेने वाले हैं बैंक निफ्टी में, और ये एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है बैंक निफ्टी में, और अभी जस्ट हमने ट्रेड लिया है। हमारा एवरेज प्राइस है 144.75 रुपये का। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका जो लो है वो कितने का है। तो इसका 100 रुपये का तो लो है, तो कोई नहीं, 100 रुपये तक हम वेट करेंगे। और दूसरी तरफ हम एक निफ्टी का कॉल ख़रीदेंगे जो कि है 17,800 का। निफ्टी यहाँ पे डालते हैं और हम ख़रीदेंगे 16 मार्च का। तो यहाँ पे हम इसको भी बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमने 2 क्वांटिटी बाय कर लिया है। तो बैंक निफ्टी यहाँ 400 के भी ऊपर है, तो पॉसिबल है कि ये 450 तक जा सकता है, लेकिन चूंकि काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। फिर भी देखते हैं, 450 के आसपास जाता है तो हम एक बार यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है ना। नहीं जाता है तब तक हम वेट करेंगे। ट्रेडिंग धैर्य का काम है और इसमें धैर्य रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए, इसमें आपके सामने प्रॉफिट आया था 1000 के समथिंग, और फिर यहाँ पे इसमें आया था 1000 के समथिंग, और अभी आप देखिएगा तो ये फिर से 800 के समथिंग तक ये आ चुका है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस अपने ट्रेड पे बने रहना है, अपने स्ट्रेटजी पे आपको बिलीव करना है, और फिर आपको अच्छे से काम करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। अभी देखिए फिर से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो चुका है, और अभी समथिंग 2000 के हम यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक भी करेंगे। तो ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हो चुका है लगभग लगभग बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का एक लॉट हम यहाँ पर बुक करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको लग जाता है, ठीक है, कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 100 रुपये ऊपर नीचे आपको नहीं देखना चाहिए कि नहीं मेरा एग्जैक्ट टारगेट आएगा तो ही मैं निकलूँगा। 10 रुपये ऊपर नीचे आप निकल सकते हैं, अगर जो उसी फ्लो में जाता है तो आप 10 रुपये ऊपर भी निकल सकते हैं, अन्यथा फिर आप 10 रुपये नीचे भी निकल सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको अगर जो एक बार कुछ प्रॉफिट कम हो गया आपका तो आप उस ट्रेड से निकल ही ना पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड हमारा है यहाँ पे, अभी ये चल रहा है और इसको हम चलने देंगे। इसमें मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और एसएल पे मैं लगा देता हूँ 68 रुपीज, और यहाँ पे डाल देते हैं 69, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल छोटा सा एसएल है हमारा 200 रुपये का, और 200 हमारा प्रॉफिट है, तो ओवरऑल मान के चलिए 450-450 रुपये कटेगा तो ये ट्रेड हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं और उस पर कायदे से आपको बैठे रहना है, पेशेंस बना के रखना है अपना, और प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है। और अगर जो आप भी हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जीरोधा और अपस्टॉक का। आप चाहें तो उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके बाद हमको आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, कॉल करेंगे तो भी सपोर्ट करेंगे, जूम पे भी सपोर्ट करेंगे, वीडियो कॉल में भी सपोर्ट करेंगे। तो हर तरह से मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको करना ये है, सिर्फ हमारे लिंक से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि आपके सामने जो अभी डीमैट का एप्लीकेशन ओपन है वो है अपस्टॉक का, तो आप चाहें तो इसमें भी ओपन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा फीचर है इसमें भी। और आप हमारे साथ लाइफ टाइम, जब तक आप ट्रेडर बन नहीं जाते हैं तब तक आप हमसे लाइव हेल्प ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है आप हमको फ़ोन करके कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी समस्या होता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल ही छोटे अगर जो आप ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो आप बड़े ट्रेडर हैं तो मुझको उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 1000 से हमने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, अभी 2000 हो चुका है। और नॉर्मली मैं चाहता हूँ आजकल कि 2-4 मिनट का ही वीडियो बने, क्योंकि लंबा वीडियो आजकल देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।